नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के, केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री से प्रमोट करके मुख्यमंत्री बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब आपको लगेगा केशव प्रसाद मौर्य कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के समर्थक या योगी जी के समर्थकों को लगेगा केशव प्रसाद मौर्य को कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, योगी जी हैं तो। योगी जी आज मुख्यमंत्री अगर है तो 2017 में इस चेहरे पर, केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों के वोट को लिया था। कुछ लोग ये भी कह देते हैं केशव प्रसाद मौर्य की क्या हैसियत योगी के सामने, लेकिन हैसियत सबकी है। जब केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब आपको बड़ा चेहरा और बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य का दिखने लगेगा। एक खबर क्यों मैं बता रहा हूं, क्या जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज बना रहा हूं, तो कल केशव प्रसाद मौर्य को, परसों केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। खबर है, आप देख सकते हैं ये जो गुजरात लॉबी है, मोदी जी और अमित शाह जी अपने राज्य में जब से इनकी सरकार चल रही है, जहां इनकी सरकार नहीं बनती जनता के द्वारा, वहां तोड़ करके बना लेते हैं। ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उदाहरण है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में ये सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने भी देखा होगा हिमाचल में भी कवायद शुरू हो गई थी, आपने भी देखा झारखंड में कवायद शुरू हो गई थी, लेकिन जब नहीं बना पाते तो अगर उसके खिलाफ किसी भी विपक्ष के नेता के खिलाफ तिनका भी मिल जाए, कैसे भी जेल की हवा खिला देते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जिस मुद्रा में बैठे हैं यहां पर, आप योगी जी की फोटो बहुत कम देखेंगे या तो नहीं देखेंगे। गुजरात लॉबी के बहुत खास है, केशव प्रसाद मौर्य हो, बृजेश पाठक हो, ओम प्रकाश राजभर हो, जितिन प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री हैं मलाईदार विभाग के, ऐसे तमाम नेता हैं। योगी जी को मुख्यमंत्री तो बनाया गया है, लेकिन योगी के चारों तरफ चक्र में, बीच में योगी, चारों तरफ है उनके मंत्री। मंत्रालय यूपी से नहीं तय होता। अगर योगी जी चाहें कि हमको बुला करके या आपको बुला करके कुछ मंत्री बना दें या किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा नहीं होता है, आपने देखा भी होगा। बहुत खास खास लोगों को, महेंद्र सिंह थे उनके एमएलसी थे, महेंद्र सिंह पहले के कार्यकाल में जल शक्ति मंत्री थे, उनके खासम खास लोगों को हटा दिया गया है, सबको हटा दिया गया है। अब यहां पर इनको देख रहे हैं कौन है, क्यों खबर चल रही है, ये है रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ में इस समय स्पीकर के पद पर तैनात है, स्पीकर बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी ने, क्योंकि मोदी जी ने इनको एक तरह से राजनीतिक तौर पर निपटा दिया, नए व्यक्ति को मौका दिया। अगला वसुंधरा राजे सिंधिया, सबसे बड़ा नाम राजस्थान की राजनीति में, सबसे बड़ा नाम, खानदानी नाम, रानी महारानी क्या क्या नहीं आप समझ सकते, पूरी राजनीति पलटने की शक्ति रखती है, लेकिन इनको भी निपटा दिया गया राजनीति से। सबसे बुरा हाल तो मामा जी का हुआ। मामा जी ने लाडली बहना योजना लाई। लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को हजार हजार रुपया चुनाव से पहले मिला और रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मामा जी ने चुनाव जीतवाया, लेकिन मामा जी को ऐसे किनारे लगाया मोदी और शाह ने, अब तो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, हो सकता है इनको केंद्र में ले जाया जाए, सरकार वगैरह बने तो मंत्री उंत्री बनाया जाए, तो आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी दुर्दशा इनकी हुई। उसके बाद ये कौन है, सैनी जी हैं, नवाब सिंह सैनी, कहां के हैं, हरियाणा के,
मुख्यमंत्री बना दिया गया इनको, पूरी सरकार खत्म हो गई, पूरी सरकार चली गई। मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर कौन है? मुख्यमंत्री जी थे। आप देख सकते हैं इनको सांसदी का टिकट भी मिल चुका है। मनोहर लाल खट्टर और जेजेपी की सरकार चल रही थी, मनोहर लाल खट्टर को मोदी जी ने 24 घंटे पहले कहा था, जब हम और मनोहर लाल खट्टर पहले छोटे से कार्यकर्ता थे, मोटरसाइकिल पर मनोहर लाल जी चलाते थे और मैं पीछे बैठता था। 24 घंटा पहले बड़ी बड़ी बातें मोदी जी ने कही, लेकिन 24 घंटा के अंदर मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर को हटवा दिया। आप समझ सकते 24 घंटा पहले। तो मनोहर लाल खट्टर जेजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, बीजेपी होशियारी करती है, बीजेपी नंबर एक की होशियार पार्टी है, और इन्होंने एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए मनोहर लाल खट्टर को इन्होंने निपटा दिया। एक तरह से निपटाने का मतलब राजनीतिक तौर पर निपटा दिया। अब क्या करेंगे, मोदी जी ने कह दिया है। अब क्यों निपटाया जा रहा है योगी जी को, क्यों हटाया जा सकता है? आप ये देख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव हो जाएगा तब हटाया जा सकता है, लोकसभा चुनाव से पहले इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि योगी कहीं विद्रोह ना कर दें। वैसे जो ठाकुर वोटर है वर्तमान में यूपी में, ठाकुर वोटर कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, बीजेपी को गाली भी दे रहे हैं, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देंगे, आपको पता ही होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि धनंजय सिंह का मामला आपने देखा, धनंजय सिंह जब इनामी थे 25,000 की, तब क्रिकेट खेल रहे थे बेचारे, बेचारे इसलिए कह रहा हूं, जब 2024 में सोच रहे थे कि हमको टिकट मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन है आपने देखा होगा, जेडीयू में थे, टिकट मिलेगा तब तक धनंजय सिंह को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव से एक मुलाकात की, छोटी सी क्लिप वायरल हुई, वैसे ही 2020 के मामले में 7 साल की सजा हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से हुई, 2020 का कोई मामला था और 7 साल की सजा हो जाती है, अगर कोई अपराध किया तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन आप देख रहे होंगे ब्रिजेश सिंह माफिया डॉन, कभी एक समय हुआ करता था जब भाजपा की सरकार बना करती थी तो राजा भैया मंत्री बना करते थे, लेकिन वास्तव में योगी से अच्छा संबंध है वो बात अलग है, लेकिन अगर योगी के हाथ में होता मंत्री बनाने को लेकर के, तो कई ठाकुर नेताओं को मंत्री बना दिए होते वास्तव में। लेकिन राजा भैया को मंत्री नहीं बनाया गया, क्यों? क्योंकि आप कहेंगे तो उनकी अलग पार्टी है, पार्टी भले अलग है लेकिन समय समय पर उसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है और कहीं ना कहीं उनको उसका फायदा भी मिलता है। बड़े बड़े नेता जो ठाकुर थे उनको कहीं ना कहीं नीचे कर दिया गया, भाजपा की जो चाल है, और एक तरह से सही भी है, गलत नहीं है, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि अगर ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो ऐसे लोगों के प्रोत्साहन से सरकार की बदनामी भी होती है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े माफिया पहले थे, उन माफियाओं को कहीं ना कहीं कंट्रोल हो चुका है, कहीं ना कहीं हो चुका है, और जो अगर है, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो योगी जी की वजह से बचा है, बाकी बचेगा नहीं है। अब योगी जी बेचारे क्यों हटाए जाएंगे, क्यों नहीं हटाए जाएंगे? लोकसभा चुनाव से पहले अगर हटा देंगे तो हंगामा पक्का खड़ा कर देंगे, 2-4% वोट खिसकाने की क्षमता रखते हैं। और योगी जी को लेकर के, अमित शाह जी को लेकर के दावा किया जाता है कि मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर इन दोनों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। लड़ाई में कौन बाजी मारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त होते होते या तीसरी बार जब मोदी जी शपथ लेंगे तो योगी जी मुख्यमंत्री पद पे नहीं रहेंगे, ये फाइनल हो चुका है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूत्र नहीं कह रहे हैं, प्रेजेंट आप माइंड्स अगर आप लगाएंगे तो योगी जी जो हैं जिद्दी स्वभाव के हैं, वो किसी की सुनते बहुत कम है, यहां तक कि मोदी और शाह की नहीं सुनते, मजबूरी है, जब तक बने हैं तब तक बने हैं। और आपको देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के बाद या हो सकता है चुनाव के पहले, क्योंकि आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गुजरात मॉडल जो दावा किया जाता है गुजरात में क्या हुआ था, जब चुनाव आता है पूरी कैबिनेट पूरा मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, एंटी इनकम्बेंसी हटा दी जाती है तुरंत। आपने देखा होगा कर्नाटका में क्या हुआ, ऐसे तमाम बिंदु आपको देखने को मिलेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी और शाह की जोड़ी ने अपने आगे किसी नेता को बख्शा नहीं,
अगर उन्होंने छोटी सी भी गलती की, समय का तकाजा है, उनको वोट चाहिए, तो हो सकता है लोकसभा चुनाव पार हो जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव पार होने के बाद निपटा दिए जाएंगे योगी जी को, राजनीतिक तौर पर इनको एक किनारे लगा दिया जाएगा, हो सकता है दिल्ली भेज दिया जाए इनको। आपकी क्या राय है, दिल्ली का मतलब पीएम नहीं, दिल्ली का मतलब कोई मंत्रालय दे दिया जाएगा, वहीं पर अपना काम करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय प्रकट करें। नमस्कार।